जंग में आम इंतखाबात में जंग की 7 खवातीन उम्मीदवार भी मर्द उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके मद्दे मुकाबिल हैं। और जंग से 7 खवातीन हैं जो कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में जो है वो उम्मीदवार हैं। मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जंग में 7 खवातीन उम्मीदवार हैं, NX109, NX110, NX108, PP125, PP127, PP129 और PP130। ये हलके हैं जहां से खवातीन उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असेंबली के हलके NA109 के बारे में। NX109 में यहां से इलेक्शन में कागजात नामजदगी जो जमा करवाए हैं वो है गुलाम बीबी भरवाना ने और जुबैदा बेगम है और सैयदा सुगरा इमाम जो कि साबिक सेनेटर भी हैं और इन्होंने यहां से कागजात नामजदगी करवाए और इलेक्शन के मैदान में भी है क्योंकि गुलाम बीबी भरवाना जो है उन्होंने कागजात नामजदगी तो यहां से जमा करवाए थे लेकिन वो इलेक्शन में जो तवज्जो है वो दे रही है चनियोड़ के कौमी असेंबली के हलके से, तो वहां से वो इलेक्शन में ज्यादा उनकी तवज्जो है, यहां से तवज्जो यहां इस हलके में नहीं है। लेकिन उन्होंने NA108 में भी कागजात नामजदगी जो है वो अपने जमा करवाए थे और निशानात भी उनको अलॉट हुए हैं। सैयदा सुगरा इमाम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है NA109 में जहां पर मर्द उम्मीदवार हैं तो वहां पर खातून उम्मीदवार हैं जो मर्द उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबले हैं। इस पर तफसीली भी बात करेंगे। आगे चलते हैं NA110 के बारे में। NA110 जंग का वो हलका है जहां पर साइमा अख्तर भरवाना जो कि 2008 में रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हो चुकी हैं वो इस बार फिर जो है वो किस्मत को आजमा रही हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और यहां से जो यहां पर जो बाकी उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल हैं। PP125 की बात करेंगे, PP125 में नीलम सियाल हैं जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और PP130 की अगर हम बात करें तो PP130 में खतीजा शहबाज हैं जो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन चूंकि कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं निशान उनको अलॉट हो चुके हैं तो उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर हम बात करें PP127 की तो PP127 जंग का वो शहर का हलका है जहां से साबका MPA मैडम राशिदा याकूब शेख वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और इलेक्शन को भरपूर तरीके से जो है वो लड़ रही हैं और मर्द जो उम्मीदवार हैं उनके मद्दे मुकाबिल है मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार हैं। तो ये खवातीन हैं जो इलेक्शन में जंग से हिस्सा ले रही हैं, मुख्तलिफ जो सूबाई और कौमी असेंबली के हलके हैं वहां से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अब हम बात करेंगे जो इलेक्शन के कुछ ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं लेकिन कुछ वो खवातीन उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा ले रही हैं। NX109 की बात करेंगे, फिर NX110 और बाकी सारे हलकों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये भी बताते हैं कि यहां पर खवातीन वोटर्स की तादाद कितनी है। जंग में 3 कौमी और 7 सूबाई असेंबली के हलकों में खवातीन जो वोटर्स की तादाद है वो 16 लाख से जायद है जो खवातीन वोटर्स अपना हक रायदेही इस्तेमाल करेंगी। तो यहां पर NX109 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं शेख मोहम्मद याकूब और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं शेख वकास और अहले सुन्नत वल जमात के सरबरा और राह हक पार्टी के उम्मीदवार हैं मौलाना अहमद दुधानवी और सैयदा सुगरा इमाम जो कि यहां पर खातून उम्मीदवार हैं और वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं। आगे चलते हैं NA110 में। NA110 की अगर हम बात करें तो NA110 में जो है वो साइमा अख्तर भरवाना जो है इन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट पे भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था और ये 2008 में इसी हलके से, उस वक्त ये हलका जो था वो 90 था, NA90 था, तो इसी हलके से जो है वो मुंतखब हुई थी और उसके बाद अब इलेक्शन 2024 के यानी आइंदा इंतखाबात जो हमारे आम इंतखाबात होने वाले हैं चंद दिनों में उसमें भी भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रही हैं और इनके मद्दे मुकाबले जो उम्मीदवार हैं वो हैं जी मुस्लिम लीग नून के मौलाना आसिफ मुआविया हैं और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता यहां पर उम्मीदवार जो हैं वो हैं यहां पर अमीर सुल्तान।
तो एनए 108 की अगर हम बात करें तो गुलाम बीबी भरवाना जो है उन्होंने एनए 108 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उनकी तवज्जो है चनियोट के कौमी असेंबली के हल्के से। पीपी 125 नीलम सियाल साहबा हैं जी जो उम्मीदवार हैं और स्विस सूबाई असेंबली के हल्के में जहां वहां के उम्मीदवार हैं तो उन उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीपी 129। तो यहां से भी साइमा अख्तर भरवाना जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एनए 109 के बारे में मैं यहां आपको बताता चलूं कि यहां पे जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं वो गुलाम बीबी भरवाना जो है उनकी जानिब से भी करवाए गए हैं और यहाँ पे जुबैदा बेगम है उन्होंने भी इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। एक पीपी 130 की अगर हम बात करें तो पीपी 130 से खतीजा शहबाज जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पीपी 127 की तो पीपी 127 जंग का वो सूबाई हल्का है जहां पर कांटे का मुकाबला है और यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार हैं राष्ट्रा याकूब शेख, जो बाकी जो वहां के मर्द उम्मीदवार हैं इस हलके में, जो बाकी उम्मीदवार इस इंतखाबी में अपना दंगल में उतरे हैं उनके मद्दे मुकाबले हैं और बड़ी सियासी जंग होगी इस हलके में क्योंकि यहां पर जो है वो अगर हम बात करें तो बड़ा सख्त मुकाबला है। यहां पर इस हलके में सूबाई असेंबली का यह हलका है जहां पर राशिदा याकूब शेख जो कि सबका एमपीए भी रह चुकी हैं उनके मद्दे मुकाबिल हैं। यहां पर आजाद उम्मीदवार हैं मौलाना मसरूर नवाज और यहां पे अगर हम बात करें तो इसी हलके से पीपी 127 से शेख मोहम्मद अकरम हैं जो कि तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं और इनके दरमियान कांटे का जो है वो मुकाबला होगा, बड़ा सख्त मुकाबला होगा। पीपी 127 से जमात इस्लामी के हैं, यहां पर फरीद मिगियाना है, इसी तरह बाकी जो सियासी जमातें हैं जिनमें यहां पर अगर बात करें पीपल्स पार्टी की तो नासिर सियाल हैं वो भी उम्मीदवार हैं। तो पीपी 127 में जहां मर्द उम्मीदवार हैं तो वहां पर खवातीन उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो मैडम राशिदा याकूब शेख जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और वो उनका ही कहना है कि उन्होंने अपने दौर में यहाँ पे जब उनके पास इक्तदार था तो उन्होंने यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो बनवाए खवातीन की तालीम की तवज्जो की और बाकी जो हमारी मुंतखब पहले, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा, जंग से दो कौमी असम्बली की रुकन रह चुकी हैं जो मुंतखब हुई थी और आला ओहदों पर भी फायज रही हैं जिनमें गुलाम बीबी भरवाना है और साइमा अख्तर भरवाना है। और अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो मेंबर पंजाब असम्बली जो है वो यहां से सैयदा सुगरा इमाम और राशिदा याकूब शेख जो हैं वो रह चुकी हैं और अपने लेवल पे इन्होंने खवातीन के मसाइल को हल करने में किरदार अदा किया। पहला ये इस सबसे बड़ा मसला था कि खवातीन के लिए स्कूल्स का मसला था, जो देहाती इलाकों में स्कूल्स का कॉलेजेस का उस पर तवज्जो दी गई थी। अब जो मसला है वो ये है कि यहाँ पे जो खवातीन हैं वो कहती हैं कि यहाँ पे तालीम के हवाले से खासतौर पे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी तो है लेकिन अभी फुल वहाँ पे वो सारी मतलब तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पे उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए और उन्हें काफ़ी मसाइल हैं और भी बहुत सारे खवातीन के मसाइल हैं। तो खवातीन जो हैं उनकी महरूमियाँ भी हैं जंग के कौमी और सूबाई असम्बली में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो अब इस बार 7 खवातीन जो हैं वो मैदान में हैं और जो इलेक्शन में यहाँ से खवातीन मुंतखब होंगी बेहतर तरीके से वो तर्जमानी कर सकेंगी और अवा जो खवातीन के मसाइल को हल करने में अपना किरदार जो है वो अदा करेंगी और यही तवक्कुआत हैं खवातीन की। जो वोटर्स हैं खवातीन वोटर्स जो हैं वो यही तवक्कुआत रखती हैं कि यहाँ से मुंतखब होने वाली जो खवातीन उम्मीदवार हैं वो उनके मसाइल और उनके जो इश्यूज हैं उनको हल करने में मदद करेंगी, वो हल करेंगी, उनके मसाइल के लिए बात करेंगी कौमी और सूबाई असम्बली में जाकर। तो ये क्योंकि देखें यहाँ पे देखें 16 लाख खवातीन वोटर्स बड़ी तादाद हैं खवातीन के, यहाँ पे खवातीन के बहुत सारे मसाइल हैं,
खवातीन पढ़ लिख जाती हैं लेकिन उनको नौकरी है यहाँ पे रोजगार के हवाले से जंग में, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनके जो वालदेन हैं, फिर उन्हें कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ वालदेन उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि बाहर वो जॉब के लिए जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे वो खवातीन जो पढ़ लिख जाती हैं लेकिन वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जॉब नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे रोजगार के जो मौके हैं वो होने चाहिए, इस पर काम करने की जरूरत है कि जहां मर्द मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, ये नहीं कि हमारे पास यहाँ पे खवातीन काम नहीं कर रही हैं, लेकिन मजीद मतलब सरकारी जॉब्स के हटके प्राइवेट जॉब्स, तालीम के हवाले से और भी जो खवातीन के मसाइल हैं उनके हल के लिए किरदार अदा करने की जो है वो जरूरत है, और इस हवाले से काम जो है वो किया जाना चाहिए, और इस पे काम करने के लिए जो मेरी बात हुई इस हवाले से जो खवातीन उम्मीदवार हैं उन सबसे बात हुई जिनके मैंने नाम आपको बताएं जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि हम इस बार हमें अवाम मुंतखब करती है, खवातीन वोटर्स हमें वोट देती हैं, तो हम यकीनन खवातीन के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। तो ये वो डिटेल्स थी जंग के हवाले से कि जंग में खवातीन उम्मीदवार भी अपनी इस बार किस्मत जो है वो दोबारा एक बार फिर किस्मत अपनी जो है वो आजमा रही है, और ये वो डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ इलेक्शन के हवाले से शेयर की हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट, अब हम मैं NA 108 में सर्वे करने जा रहा हूँ, NA 110 में, और बाकी जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, तो इंशाल्लाह रोजाना हम इलेक्शन की जो लेटेस्ट जो सूरत हाल है वो उससे हम आपको इसी तरह से आगाह करते रहेंगे। आखिर में आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन की ताजा तरीन लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपको मौसूल हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि खबरों का जो ये सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहे। मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।